अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको चिकन के कोफ्ते बनाना सिखाएंगे कि इसको कैसे फ्रीज़र में आप रख सकते हैं और काफ़ी देर इसको फ्रीज़ करके रखा जा सकता है। तो ये चिकन के हैं, तो मैंने चिकन लिया है, ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। अनियन है, हरी मिर्च है और धनिया है। जो अनियन है वो मैंने दो बड़े चॉप करके साइज़ के इसको रफली चॉप किया हुआ है, देखिए। और हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया, तीन चार हरी मिर्चें ली हैं। और मैंने एक ब्लेंडर में इन सबको इकट्ठा डालकर इनको ब्लेंड कर दिया। आप इनको जो है वो जहाँ से आप चिकन लें उनके पास भी मशीनें होती हैं ब्लेंडर वाली, आप उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अदरक पेस्ट डाल दिया, एक चम्मच लहसुन पेस्ट डाला है, अजवाइन पिंच ऑफ अजवाइन डाली है, और साथ मैंने जो है इसमें काली मिर्च और खशखाश, खशखाश जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हाफ चम्मच इसमें ऐड की है। उसके बाद एक चम्मच भर के मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है, गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और रेड चिली जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सारे मसाले एक साथ इसमें जो है उसके फ्लेवर्स इसमें मिक्स हो जाएँ, ठीक है। मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसके बाद भी इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं अगर आपको लगे अनियन थोड़ा सा हार्ड है या बड़ा बड़े स्लाइस में है। अब मैंने इसको अच्छे से देखें मिक्स कर लिया है, और मैं आपको अब इसको शेप देना सिखाती हूँ कि इसको कैसे शेप दिया जा सकता है। अच्छा, थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ दिया था कि अच्छे से जो है इसमें मसालों का जो फ्लेवर है वो आ जाए। मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, और मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के जो है वो कोफ्ते की शक्ल में बॉल बनाना शुरू कर दूँगी। ये देखें आप कितना प्यारा सा रेडी हुआ है। तो मैं सारे कोफ्ते ऐसे ही बनाऊँगी, आप देखें इसको, कि बस इसके आपने ये ध्यान करना कि इसमें क्रैक्स ना हो, जिस वजह से जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटे ना। अच्छा, इस कंडीशन में भी आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि इवन अगर लाइट चले जाती है या आप इसको किसी भी चीज़ में फ्रोज करते हैं तो वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है शेप अपनी ख़राब कर देते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको हल्का सा फ्राई करें, देन इसको सेव करें। मैंने ऑयल एक पैन में डाल दिया है और उसको हल्का सा गर्म किया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड किया था ताकि नीचे ना लगे। जिनका नॉन स्टिक पैन है वो बेशक नमक इसमें ना ऐड करें, उससे उनके जो हैं कोफ्ते बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। तो आप ये देखें, मैं इसको जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और मुझे इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत फुल कुक नहीं करना कि जो है वो जूसी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप देखें जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ, और आपने ये ध्यान करना है कि बहुत तेज़ ज़ोर से चम्मच नहीं कोफ्तों में हिलाया जाता कि वो शेप अपनी ख़राब कर दें, क्योंकि बेसिकली ये कीमा होता है और ये बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। तो आपने हल्के हाथ से इसको जो है वो फोल्डिंग करते जाना है, और अपना जो पैन है उसको भी शेक करते जाना, ताकि कोई अगर नीचे हल्का सा लगा भी है तो वो हिलता जाए और अपनी साइडें जो हैं वो छोड़ दें। तो अब देखिए, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं जिससे कोफ्ते फूल जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको बेकिंग सोडे की ज़रूरत होती है। कुछ इसमें चने का आटा यूज़ करते हैं और या बेसन ऐड करते हैं। इसमें चने का आटा और बेसन बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि वो अपना फ्लेवर जो चिकन का है वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमें सिर्फ बेसन या चने के आटा या फिर गंदम का आटा, सिर्फ उसी की स्मेल आ रही होती है। बाज़ लोग इसमें जो है वो ब्रेड भी डाल देते हैं, ठीक है, वो भी इसको उसके भी बेहतर रहते हैं, लेकिन उसमें इसमें एक ख़ास मीठापन आ जाता है, तो वो भी नहीं बेहतर। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप की जो फैमिली होगी वो जब ये कोफ्ते खाएंगी तो वो यकीनन इस आपके इन कोफ्तों के साथ वो डेफिनेटली आपकी तारीफ़ करेंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और ये देखिए कितने जूसी और सॉफ्ट से हैं। इनको ओवर कुक कतन नहीं करना कि ये हार्ड हो जाए। अच्छा, मैंने प्लास्टिक के बाउल मंगवा लिए थे जिसमें हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने ये देखिए उसको इस तरह बीच में डाला है, और अभी ये बहुत सख्त गर्म है। जैसे ही ठंडे होंगे मैं इनको कैप लगाऊंगी और फिर इसको मैं फ्रीज़र में सेव के लिए रख दूंगी। आप इसको आराम से 3-4 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। जब घर में कोई अचानक आ जाए फ़ौरन निकालें, इसको कुक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।